लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब जादू से मत करो, मैंने कह दिया तो कह दिया। तुमने दहेज का 4,000 का इंतजाम नहीं किया, इसलिए शादी नहीं होगी। बारात वापस, बारात वापस ले जाने से पहले मेरा सर काट दो। अरे तुम्हारा सर काटने का 1,000 में मिलते ना तो काट देता मैं। हाँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ करना लाला। रुक जाओ, ठहरो लाला, ठहरो। 4,000 रुपए में अपने बेटे को बेच रहे हो? कल थोड़े से ज्यादा पैसे मिल गए तो अपनी धरती माँ को भी बेच दोगे? दहेज दीमक होती है लाला, घर में बसने से पहले ही घर को खोखला कर देती है। तुम्हारी भी 6-6 बेटियां हैं, कल उनका दहेज देना पड़ेगा तुम्हें, जरा सोचो। मुझे माफ करना बेटे, मैं ये भूल गया था। राजू, अंग्रेज सिपाही हमारे पीछे लगे हैं लाला, कहीं हमें छुपने की जगह मिल सकती है? वापस मत ले जाओ। अरे मुझे माफ करना, मुझे जीते जी मत मारो। सुनो, तुम लोगों ने कोई लड़का लड़की आते हुए देखा है? आप आइए साहब, आइए कीजिए। दहेज का भाव इतना बढ़ता रहा तो हिंदुस्तान की तारी की तारी लग गई। हम इस दुल्हा दुल्हन की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बेटी रूबी और उस टांगे वाले राजू की बात कर रहे। राजू टांगे वाले घोड़ी गोल साहब, आप आ गए, आपकी बेटी आ गई, हमारे लिए तो धन भाग। अरे आप कटोरी, हम इस तंबू में देखेगा। अंदर मत जाओ, अंदर लड़कियां हैं। अब जाओ, गाय रूबी, रूबी गाय। रूबी आ नहीं है, एक लाख और लीजिए। इस तंबू में कोई नहीं है, मैं उस तंबू में देखता हूँ। सुन नहीं जाएगा साहब, साहब साहब अंदर मत जाइए, उधर दूल्हा है साहब। केदार, 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 Yeah!
लाओ जब उसको। अपनी गोली जाया मत करो, इसे इसी दलदल में मरने दो। राजू! डरो नहीं राजू, अंदर तुम्हें सैकड़ों हिंदुस्तानी भाई मिलेंगे। बेटी को, उस तांगे वाले को तो मैंने खत्म कर दिया है। अगर दोबारा यहां से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी जिंदगी और मौत पर तो हुकूमत कर सकते हैं आप, लेकिन मेरे दिल पर नहीं। जिस दिल पर तुम्हें इतना गरूर है उसे जिस्म से निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम बाप हो या जल्लाद, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखना, मैं उसी टांगे वाले से प्यार करती थी, करती हूं और करती रहूंगी। शट अप! पागल हो गई है ये बेवकूफ लड़की उस टांगे वाले के पीछे। छोड़ दो मुझे। होगा, उस टांगे वाले के खानदान को स्पष्टी से उठा दो। नहीं अंकल, ये काम गोगा नहीं, मैं खुद करूंगा। जमना उठो, लो दवाई पी लो। मेरी चिंता छोड़िए, राजू का पता लग गई, कल से वो घर नहीं आया। जिंदा होगा तो आएगा ना, रूबी के साथ इश्क लड़ाने चला था। और तू बुढ़े, सुना है उस दिन क्लब में साइमन और डायर साहब के साथ बड़े ऊंचे सुर में बात कर रहा था। जरा वो सुर हम भी तो सुने। का वहां कोई काम नहीं। चला दो सारी बस्ती को। ये क्या हो गया माँ? अंग्रेज सिपाही आकर तुम्हारे बापू को उठा ले गए और मुझे भट्टी में डालकर घर को आग लगा दी। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ, इसी आग से उनकी चिता जला दूंगा माँ। नहीं बेटे, इससे पहले कि मौत अपनी चादर फैला दे, एक राज जो मैंने सीने में छुपाए रखा, आज तेरे सामने खोल रही हूं। वैसे तो
तुम मुझे बेटे से भी ज्यादा प्यारे हो, लेकिन मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटे, बादल तुम्हें अनाथ आश्रम की झोली से उठा लाया था, इसी तरह परसों से खाली मेरी गोद आबाद हो गई। नहीं माँ, ऐसे मत कहो माँ, मुझे छोड़ के मत जाना माँ। नहीं, मुझे छोड़ के मत जाना। मेरी बात आंसू मत बहाना बेटे। तुम कहते थे ना, क्या क्या कहते थे? हाँ बोलो। जो जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं हो माँ। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता, जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता, जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं।